गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं बालम इन फ्रंट ऑफ यू। द टॉपिक द चैप्टर फाइनेंशियल एनालिसिस बुक आपकी, उसका चैप्टर है आपका कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट। कॉम्पिटिटिव एंड कॉमन साइंस का आपका चैप्टर है। उसका जो क्वेश्चन है आपका, यानी कि प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन 100% आता है आपका 4 मार्क्स का। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है और आपका 2 और 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो सिंपल है, देखिए दिस इज द क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा कि बैलेंस शीट, एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कंप्लीट बैलेंस शीट का एक स्टेप वाइज किसे कैसे होता है वो भी समझाऊंगा। देखिए यहाँ एक बैलेंस शीट मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। तो फर्स्ट वन इक्विटी एंड लायबिलिटी, जैसे हम लास्ट ईयर उसमें जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आता था आपका, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें आपका एक साइड, वन साइड डेबिट और वन साइड क्रेडिट होती है, तो उसमें लायबिलिटी और एसेट साइड होती है। तो यहाँ अब जो आपका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट चेंज होता है। अब जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो आपका फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड सेकेंड एसेट्स, ये आपका इस वे में आता है। तो देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी में आपका फर्स्ट कितने, देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर फंड, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटीज एंड थर्ड वन करंट लायबिलिटीज। तो देखिए जो आपका शेयर होल्डर फंड है उसमें आपका शेयर कैपिटल होती है और रिजर्व एंड सरप्लस होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन, ये आपके इसमें आते हैं, जिसमें जैसे डिबेंचर्स वगैरह आपके इसी का पार्ट है। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आपके आपके ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए, और ये आपका लोन हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स जो भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं वो सब हमारे क्या शॉर्टकट में आते हैं, शॉर्ट टर्म में ही आते हैं। तो इस तरह से आपका ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज और सेकंड एसेट्स, एसेट्स में आपका नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नॉन करंट एसेट्स उसमें एक तो होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फिक्स्ड एसेट्स है ना। इंटेंजिबल आपका जिसको हम टच नहीं कर सकते बल्कि फील कर सकते हैं, जैसे कि आपकी गुडविल। करंट असेट्स, करंट असेट्स में आपका ट्रेड डिसेबल, यानी कि आपके डेटर हो गए, बीआर हो गए, आपका कैश हो गया, ये सब चीज़ें आपकी क्या होता है, आपकी करंट असेट्स होती है। तो मैंने आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझा दिया है, ये एक सीक्वेंस में होता है। इसी सीक्वेंस में आपके जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत सारे टॉपिक पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके इसी के बेस पर बने हुए होंगे। तो इसको बैलेंस शीट को रिमेंबर करना, याद करना, लर्न करना इसको, कि इसका क्या फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में बना करके आपको देना है। क्योंकि क्वेश्चन में आपका इस टाइप से भी आ सकता है, एक बैलेंस शीट बनी हुई आप भी आ सकती है, और एक रनिंग वे में भी एक जो पैराग्राफ होता है उस टाइप में भी आ सकता है। तो उसको आपको पहले इस फॉर्मेट में राइट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम आते हैं कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट। तो कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट में आपकी एक 18 ईयर्स है, एक 19 ईयर्स, जो अमाउंट आपके पास गिवन है 18 ईयर्स की है और एक 19 ईयर्स की गिवन है। तो अब हम जब ये हमारे पास बैलेंस शीट इतनी गिवन होगी, तो हम इसी में 2 कॉलम और मर्ज कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए आपके 2 कॉलम हमने और यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये आपका, यानी कि ये हमने ए दिया, ये आपको बी दिया, तो ये आपका डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस, यानी कि बी माइनस ए इक्वल टू सी, ये कॉलम आपका सी कॉलम कहलाएगा, यानी कि बी माइनस ए। तो बी आपका 3 लाख माइनस 2 लाख, इट मीन्स 1 लाख अमाउंट विल कम हियर, एंड 1 लाख माइनस 50,000, इट मीन्स 50,000, बिल्कुल सेम 50,000, तो यहाँ आपका 1 लाख, तो क्या हुआ आपका 50,000 हुआ, और 50,000 जो हुआ ये किसका, आपका माइनस में हुआ, तो माइनस में हम ब्रैकेट में यूज करेंगे माइनस को, तो यहाँ 40,000 और यहाँ 25,000, इट मीन्स 15,000 आपका, ये भी आपका ये क्या हुआ, ये आपका प्लस में हो गया। तो सेम कंडीशन 49,000, 4,90,000 एंड 3,75,000, तो कितना हुआ आपका 1,15,000। देखिए 250 कुछ नहीं है, ये आपका नील हो गया, 2 लाख 1 लाख, ये आपका 1 लाख हुआ, एंड 20 माइनस 10 10,000, 20 माइनस 15 5,000,
तो वही बिल्कुल सेम 1,15,000 आपका टोटल सेम आएगा। ये कॉलम आपका क्लियर, यहां तक क्लियर है। नाउ डी पॉइंट, डी यानी कि ए बी सी और डी। अब डी कैसे आता है आपका, सी अपॉन ए इंटू 100, यानी कि आपकी परसेंटेज जो कैलकुलेट होते हैं परसेंटेज, सी माइनस ए। तो देखिए आपका सी कितना है 1,00,000 और ये कितना है 2,00,000, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 2,00,000 आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कि 1,00,000 अपॉन 2,00,000 मैं एक करके दिखा रहा हूँ इंटू 100, ठीक है, तो क्या है आपका 50%। इज इट क्लियर, सेम 50,000 अपॉन 50,000 दोनों आपका सेम है, इट मीन 100%। यहाँ 50,000 और ये 1,00,000, तो 50,000 अपॉन 1,00,000 तो कितना हुआ, 50 अपॉन 1,00,000 तो कितना हुआ, जो भी है आपका कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसका भी आपका ये क्या है माइनस है तो माइनस में ही आएगा। तो 15,000 डिवाइड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 जो भी आपका आएगा, सेम 1,15,000 डिवाइड बाय 3,75,000 इंटू 100 अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी विल कैलकुलेट इट। नाउ द सेम कंडीशन, यहाँ देखिए यहाँ 250 यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ भी आपका कुछ नहीं आया, सेम 1,00,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100 तो आपका 100% हो गया। 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 ये भी आपका 100% हो गया, ठीक है। 5,000 अपॉन 15,000 तो आपका जो भी आएगा कैलकुलेट करके आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सेम बिल्कुल सेम 115 अपॉन 3,75,000 मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ रहे, तो ये क्या है आपका, ये आपका कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। इज इट क्लियर, तो यहाँ इसमें मैंने कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बताई है। अब कॉम्पिटिशन बैलेंस शीट क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट भी आ जाता है। तो यहाँ बैलेंस शीट थी, मैं अब आपको कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो कॉम्परेटिव आपका स्टेटमेंट है उसमें एक सीक्वेंस है, जिसको सीक्वेंस को आपको बनाना है। सबके सबसे पहले आपकी क्या होगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें फिर आपकी अदर इनकम, ये फॉर्मेट है ध्यान से, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपका बन गया तो सब चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसका टोटल आ जाएगा आपका, यानी कि सपोज कीजिए कि आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या अदर इनकम है, अब आपका आ जाएगा टोटल। क्लियर, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपके रिवेन्यू में स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये आपका यानी कि 2,50,000 आपका क्या हुआ, 4,00,000 रुपीज ये आपका ये हो गया। नाउ एक्सपेंडिचर आपके कुछ भी हो सकते हैं एटसेट्रा, यानी कि एक एक्सपेंडिचर आपके ये होगा, एक एक्सपेंडिचर ये होगा, दो आपके एक्सपेंडिचर हैं, नेम लिख लेंगे कुछ भी जो आपका एक्सपेंडिचर हो, तो ये आपका फिर टोटल आ गया टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ आपका ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, कितना आया हुआ 1,25,000। इसके लिए नाउ अब यहाँ रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, दिस कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या किया हमने, ये जो रिवेन्यू थी 2,50,000 इसमें से 1,25,000 लेस किया, तो कितना 1,25,000 आपका क्या आया, दिस विल कम प्रॉफिट। नाउ अगर कोई टैक्स है लेस टैक्स,
कुछ भी कितना भी हो सकता है, 50% 40% 30% जो भी है, टैक्स 50% मान लेते हैं, ठीक है। तो 1,25,000 जो आया है उसका कितना 25,000 का 50% कर लीजिए, कितना 62,500। तो 62,500 ये क्या है आपका, ये आ गया आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये हमने 18 का बना दिया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका 19 का आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि कर लेते हैं, चलिए जाए कितना, चलिए 4,00,000 रुपीज, ये कितना आया 90,000, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट कुछ भी ले लीजिए आप, कितना 125 था, इसमें लेस कीजिए 4,00,000 में से 90,000 लेस कीजिए तो 3,10,000। अब आपका 2,50,000, ये 3,10,000 का 50% कितना हुआ 1,55,000, ये आपका आ गया क्या टैक्स। नाउ 1,55,000, ये हमारा नया क्वेश्चन आपका कितना हो। तो ये आपके पास आप जो स्टेटमेंट था ए और बी आ गया। अब सेम कंडीशन आपको वही लेनी है, क्योंकि स्टेटमेंट के लिए कि डिफरेंस आपका बी माइनस ए सी एंड डी बिल्कुल सेम, यानी कि बिल्कुल ये आ गया, इसकी परसेंटेज ये आ गया इसकी, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, बस आपका ये चेंज होता चला जाएगा, जो भी आपका आपका बचा हुआ है टोटल है वो चेंज होता चला जाएगा, ओके। तो ये आपका कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एंड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, तो आपके दो टॉपिक आपके मैंने यहाँ पर क्लियर करा दिए, ओके। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस विद मी, ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।